आज हम चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स का अभ्यास करने वाले हैं। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। नाउ वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब होता है द साइज ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल 6.3 बिलियन GB ऑफ डेटा। और वेलोसिटी ऑफ डेटा का मतलब होता है द स्पीड एट विच द डेटा इज अक्यूमुलेटिंग, मतलब डेटा किस स्पीड से कहीं पे अक्यूमुलेट हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ डेटा। अब हमारे टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं और अब हम ये समझते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स। कुछ सबसे पहले जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। अब जनरल पॉइंट्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, यहाँ का जो डेटा है दैट इज हाई इन वैल्यूम, हाई इन वॉल्यूम, हाई इन वेलोसिटी। और सोशल मीडिया का जो डेटा है वो काफ़ी डाइवर्स होता है। अब एक तरफ ये एक अच्छी बात है क्योंकि डेटा जो है वो जितना ज़्यादा हाई इन वॉल्यूम होगा, हाई इन वेलोसिटी होगा, डेटा जितना डाइवर्स होगा वो डेटा उतना ही ज़्यादा इंसाइटफुल भी होगा। बट एट द सेम टाइम इसी डेटा को एनालाइज करना, इसी डेटा को इंटरप्रेट करना काफ़ी चैलेंजिंग है, या इस प्रोसेस में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब जो अगला पॉइंट है वो कहता है कि जो सोशल मीडिया का डेटा है ये डेटा काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और अगर तुम्हें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना है तो इस प्रोसेस के लिए काफ़ी अलग अलग या काफ़ी पर्टिकुलर टाइप के टूल्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटीज, इंक्लूडिंग द टूल्स, ये सारी की सारी चीजें नॉर्मली बिजनेसेस के पास अवेलेबल नहीं होती। अब हमारे मेन पॉइंट्स के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज वॉल्यूम एंड वेलोसिटी एज चैलेंज। इसका मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, मैंने तुम लोग को बोला कि यहाँ पे जो डेटा जनरेट होता है दैट डेटा इज हाई इन वॉल्यूम, हाई इन वेलोसिटी। किसी भी तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लो, यहाँ पे हर एक सेकेंड डेटा जनरेट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे 3,40,000 ट्वीट्स हर एक मिनट के अंदर किए जाते हैं। फेसबुक पे 1 मिलियन लाइक्स हर 20 मिनट के अंदर शेयर किए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतने सारे डेटा को कैप्चर करना और इस डेटा को एनालाइज करना इज द रियल पेन इन द एस। अब एग्जाम में पेन इन द एस मत लिखना, राइट देयर, कि इतने सारे डेटा को कैप्चर करना और इस डेटा को एनालाइज करना इज वेरी चैलेंजिंग, या इट्स अ बिग चैलेंज, तुम ऐसे लिख सकते हो। अब इसी चीज के अंदर तुम्हें और एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि सोशल मीडिया के अंदर जो डेटा जनरेट होता है इस डेटा को कैप्चर करना और उसे एनालाइज करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस डेटा को कैप्चर करना काफी ज्यादा नॉन फिजिबल हो जाता है, या कभी कभी इस डेटा को कैप्चर करना इतना फिजिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि किस डेटा के ऊपर या किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा या सबसे पहले फोकस करना है, और ऐसा करने से ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस काफी आसान बन जाती है। बट इस प्रक्रिया के लिए काफी सारे सोफेस्टिकेटेड टूल्स की जरूरत पड़ती है, और अच्छी बात यह है कि ये जो सारे के सारे सोफेस्टिकेटेड टूल्स है, ये सारे के सारे सोफेस्टिकेटेड टूल्स डेवलप हो रहे हैं। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज डाइवर्सिटी एज चैलेंज। ये पॉइंट तुम्हें ये कहता है कि सोशल मीडिया पे जितने भी यूजर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स काफी सारा कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं। अब ये जो कंटेंट है ये काफी डाइवर्स होता है और ये कंटेंट मल्टीलिंगुअल भी होता है, और इसी चीज की वजह से बहुत सारा कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट एट द सेम टाइम थोड़ा कंटेंट हो सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रैंडम यूजर ने कोई पीस ऑफ कॉन्टेंट अपलोड किया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो पीस ऑफ कॉन्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति ने या किसी इन्फ्लुएंसर ने कोई कंटेंट अपलोड किया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कंटेंट अपलोड तो हर एक इंसान कर रहा है, चाहे फिर वो यूजर हो, या चाहे फिर वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, या चाहे फिर कोई वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, हर एक यूजर कंटेंट अपलोड करता है। और इसीलिए सोशल मीडिया डेटा जो है वो काफी डाइवर्स और नॉइजी हो चुका है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट कंटेंट को नॉइजी कंटेंट से सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज अनस्ट्रक्चर्डनेस एज अ चैलेंज। ये पॉइंट ये कहता है कि जो सोशल मीडिया डेटा होता है वो काफी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब जो टेक्स्ट होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्वीट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स, इन टेक्स्ट का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मोस्टली काफी कंफ्यूजिंग होता है। फिर ये टेक्स्ट कभी कभी इमोटिकॉन्स यानी कि इमोजीज तुम्हारे कंसिस्ट करते हैं, ये टेक्स्ट फिर कभी कभी एक्रोनिम्स कंसिस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस चीज की वजह से क्या होता है, इस चीज की वजह से इन टेक्स्ट से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना या बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। अब अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।